बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूमेरिकल नंबर 3 आज हम शुरू करना है कि एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 330 मीटर पर सेकेंड, कि एक ख़ास टेम्परेचर पर हवा के अंदर स्पीड ऑफ साउंड जो है वो 330 मीटर पर सेकेंड है। इफ़ द वेव लेंथ ऑफ अ नोट इज़ 5 सेंटीमीटर, कि अगर एक नोट की जो वेव लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, तो आपने इस वेव की फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। इज़ दिस फ्रीक्वेंसी लाइज इन द ऑडिबल रेंज ऑफ द ह्यूमन ईयर, क्या ये जो फ्रीक्वेंसी हमें मिलती है क्या वो ऑडिबल रेंज में है, काबिल समात फ्रीक्वेंसी में है इंसान के या नहीं है। तो सबसे पहले हम इसका डाटा अरेंज कर लेते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड जो है उसको वी के साथ डिनोट करेंगे, वो है 330 मीटर पर सेकेंड। वेव लेंथ को लैम्डा के साथ शो करेंगे, 5 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को मीटर में तब्दील करने के लिए 100 पे डिवाइड करेंगे तो 0.5 मीटर आंसर आ जाएगा। फाइंड हमने करना है फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड, उसको एफ के साथ डिनोट करेंगे। वेव इक्वेशन का फार्मूला लगाएंगे, वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा। एफ को सेपरेट करेंगे तो लैम्डा दूसरी साइड पर डिवाइड हो जाएगा, तो वी ओवर लैम्डा आंसर आ जाएगा। ये आ जाएगा 330 यानी कि वी की वैल्यू स्पीड ऑफ साउंड और 0.05 आ जाएगी लैम्डा की वैल्यू। इसको हल करते हैं तो ये आते हैं 6000 हर्ट्स के बराबर। साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहें तो सॉरी ये बन जाएगा 6600 हर्ट्स, ये आ जाएगा 6600 हर्ट्स। तो इसको आपने लेकर जाना है इसके साइंटिफिक नोटेशन में, तो इसका आंसर हमें मिल जाएगा 6.6 मल्टीप्लाई बाई 10^3 हर्ट्स के बराबर आ जाएगा। अब 6600 हमारे इंसानी कान जो होती है वो 20 हर्ट्स से 20,000 हर्ट्स तक होती है। तो ये यस दिस लाइज विद इन द रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर, तो ये इंसानी कान की जो ऑडिबल रेंज है उस पर लाई करती है। न्यूमेरिकल नंबर 4 पर आते हैं कि ए डॉक्टर काउंट 72 हार्ट बीट्स इन 1 मिनट, कि एक डॉक्टर जो है एक मिनट के अंदर जो हार्ट बीट्स हैं दिल की धड़कन जो है वो 72 टाइम उसको काउंट करता है। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड ऑफ द हार्ट बीट्स, तो इन हार्ट बीट की आपने एक तो फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, दूसरा इसका टाइम पीरियड भी फाइंड करना है कि ये किसके बराबर आता है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ हार्ट बीट जो है वो 72 है, टाइम है 60 सेकेंड, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, टाइम पीरियड फाइंड करना है आपने। और फार्मूला फ्रीक्वेंसी के लिए क्या होता है, नंबर ऑफ वेव्स ओवर टाइम होता है, या नंबर ऑफ आप क्योंकि हार्ट बीट्स हैं तो यहाँ पर आप लिखेंगे नंबर ऑफ हार्ट बीट्स, एन के साथ इसको शो करना है आपने, ओवर क्या आ जाएगा टी आ जाएगा। तो ये बन जाएगा t इज इक्वल टू 1/f। तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी की आपने वैल्यू पुट करनी है, n जो है नंबर ऑफ हार्ट बीट है वो 72, और जबकि टाइम जो है वो 60 सेकेंड, 72 को आप 60 पे डिवाइड करेंगे तो 1.2 हर्ट्स इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद टाइम पीरियड का फार्मूला जो होता है वो फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमने निकाली हुई है 1.2, तो 1 को 1.2 पर डिवाइड करोगे तो 0.83 सेकेंड इसका आंसर आ जाएगा। तो इसके बाद आते हैं न्यूमेरिकल नंबर 5 पर, न्यूमेरिकल नंबर 5 है तो कहते हैं कि ए मेराइन सर्वे शिप सेंड साउंड वेव्स स्ट्रेट टू द सी बेड। वो कहते हैं कि मराइन सर्वे जो है शिप, यानी कि ऐसा शिप जो एक्सपेरिमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं, वो साउंड वेव को समंदर की तह में फेंकता है बिल्कुल स्ट्रेट। इट रिसीव्स एन इको 1.5 सेकेंड लेटर, वो 1 या 5 सेकेंड के बाद उसकी इको सुनाई देती है। द स्पीड ऑफ साउंड इन सी वाटर
इज़ 1500 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी स्पीड ऑफ साउंड जो है इन वेव्स की, साउंड वेव्स की वाटर के अंदर, वो है 1500 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द डेप्थ ऑफ द सी एट दिस पोजिशन। इस पोजिशन पर आपने समंदर की गहराई को मालूम करना है। तो टाइम पर इको है, 1.5 सेकंड के बाद इको सुनाई देती है। अब ये जो इको है, ये टाइम जो साउंड वेव है, मतलब जाने का और आने का, वापस आने का, ये कुल मिला के इसका टाइम जो है 1.5 सेकंड है। अगर हम इसके एक साइड का टाइम ले लेते हैं, यानी कि जाने जाने का, तो इसका तरीका क्या होगा कि जितना भी आपको टाइम गिवन है उसको 2 पे डिवाइड कर लेंगे, तो ये बन जाएगा 0.75 सेकंड के बराबर आ जाएगा। यानी कि टाइम की वैल्यू अब हमारे पास आ चुकी है 0.75 सेकंड आ जाएगा। तो स्पीड ऑफ साउंड है 1500 मीटर पर सेकंड। फार्मूला, डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, एस इज इक्वल टू वी टी। वी की वैल्यू है 1500, इसको आप स्मॉल टी के साथ शो कर सकते हैं, इसको हटा के स्मॉल टी के साथ, तो ये बन जाएगा 0.75। तो 1500 को 0.75 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1125 मीटर इसकी डेप्थ है। इस पोजीशन के ऊपर समंदर की गहराई जो होगी 1125 मीटर के बराबर आ जाएगी। अब न्यूमेरिकल नंबर 6 और 7, इनसे मिलते जुलते ही न्यूमेरिकल हैं, ये तीन न्यूमेरिकल एक जैसे ही हैं। अब न्यूमेरिकल नंबर 6 देख लें। स्टूडेंट क्लैप्स हिज हैंड्स नियर अ क्लिफ एंड हियर्ड द इको आफ्टर 5 सेकेंड, व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द क्लिफ। यानी कि एक स्टूडेंट जो है एक पहाड़ी के करीब ताली बजाता है और उसकी इको सुनाई देती है 5 सेकेंड के बाद। तो इस सूरत में स्पीड ऑफ साउंड जो है वो 346 मीटर पर सेकेंड है। तो आपने डिस्टेंस फाइंड करना है कि ये जो स्टूडेंट है उस पहाड़ी से या उस चोटी से कितने फासले पर खड़ा हुआ है। तो इको का टाइम है 5 सेकेंड, वन साइड का टाइम इसको 2 पे डिवाइड करेंगे 2.5, स्पीड ऑफ साउंड जो है वो 346 मीटर पर सेकेंड। वही डिस्टेंस फाइंड करना है, वी और टी की वैल्यू पुट करोगे तो 865 मीटर आ जाएगा। न्यूमेरिकल नंबर 7 आपने खुद ही करना है, बिल्कुल पाँचवें और छठे जैसा ही है। न्यूमेरिकल नंबर 8 पर आ जाते हैं। द हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ द ह्यूमन कैन हियर इज अबाउट 20,000 हर्ट्स। कि इंसानी कान जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो आवाज़ है वो सुन सकता है वो 20,000 हर्ट्स है। वट इज़ द वेव लेंथ ऑफ द साउंड, यानी कि इस साउंड की वेव लेंथ कितना है। एट दिस फ्रीक्वेंसी एट अ टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि अगर टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो फिर इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। वट इज़ द वेव लेंथ ऑफ द लोवेस्ट साउंड, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें साउंड सुनाई दे रही है और कम से कम 20 हर्ट्स होती है, तो इस टेम्परेचर के ऊपर आपने फ्रीक्वेंसी फाइंड करने की कितना आ जाती है, इसकी स्पीड ऑफ साउंड, सॉरी इसकी वेव लेंथ आप फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे लाउडेस्ट साउंड फ्रीक्वेंसी, बुलंद तरीन आवाज़ की जो फ्रीक्वेंसी है 20,000 हर्ट्स, स्पीड ऑफ साउंड जो है वो है 343 मीटर पर सेकेंड, लैम्डा आपने फाइंड करना होगा दोनों के लिए बारी बारी। तो आप इसको F1 और F2 का नाम दे दें, लैम्डा को आप लैम्डा 1 और लैम्डा 2 का नाम दे देंगे। फार्मूला वही वेव इक्वेशन वाला बनाएंगे तो फार्मूला बन जाएगा V इज इक्वल टू F लैम्डा, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा। सबसे पहले इसको कैलकुलेट करेंगे, 1.7 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज माइनस 2 आ जाएगा मीटर, और इसके बाद 343 इसमें पुट करेंगे 20 हर्ट्ज़, तो 20 को दूसरी साइड पर डिवाइड करेंगे 343 को 20 पर डिवाइड करो तो ये आ जाएगा 17.2 मीटर इसकी वेवलेंथ आ जाएगी। लास्ट न्यूमेरिकल, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ये। साउंड वेव हैज़ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 किलोहर्ट्स, वेवलेंथ 20 सेंटीमीटर। वो कहते हैं कि एक साउंड वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है 2 किलोहर्ट्स है और उसकी वेवलेंथ जो है वो 35 सेंटीमीटर है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रैवल 1.5 किलोमीटर, तो उसको 1.5
किलोमीटर तक फासला तय करने के लिए टाइम कितना लगेगा, इसमें हमने जस्ट टाइम फाइंड करना है। फ्रीक्वेंसी है 2 किलोहर्ट्ज़, 2 मल्टीप्लाई बाई 10^3, क्योंकि हम किलो को हटा लेंगे तो किलो की जगह पर 10^3 बन जाएगा। उसके बाद वेव लेंथ है 35 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को आप तब्दील करेंगे मीटर में तो 0.35 मीटर आ जाएगा। डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस जितना फाइंड करेंगे वो भी 1.5 किलोमीटर है, किलो को चेंज करेंगे मीटर में जो 10^3 बन जाएगा। इसके बाद आते हैं, हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड हमने करना है टाइम फाइंड करना है। तो टाइम के लिए फार्मूला जो होता है एस ओवर वी बनेगा, यानी कि डिस्टेंस के फार्मूले में से आप इसको निकाल सकते हैं कि एस इज इक्वल टू क्या होता है, वी टी होता है। तो यहाँ से अगर टी को फाइंड करेंगे तो वी दूसरी साइड पर डिवाइड, तो ये फार्मूला बन जाएगा इसका। अब अगर इस पर गौर करें, यहाँ पर हमें वी की वैल्यू गिवन नहीं है, तो सबसे पहले हमें वी की फाइंड करने के लिए वेव इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे, वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अब एफ़ की वैल्यू भी गिवन है और लैम्डा की वैल्यू भी गिवन है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 0.7 और 10^3 क्या बन जाएगा, 3 आ जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद इसको हल करते हैं, यानी कि हमें v की वैल्यू जो मिल जाएगी वो है 0.7 मल्टीप्लाई बाय 10^3 मीटर पर सेकंड के बराबर। इसके बाद t की वैल्यू जो है s ओवर v है, s की वैल्यू है 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10^3, v की वैल्यू जो है 0.7 मल्टीप्लाई बाय 10^3, तो 10^3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा 1.5 और 0.7 है। तो 1.5 को 0.7 पे डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर हमें मिल जाएगा 2.4 सेकंड के बराबर आ जाएगा, 0.24 सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। तो ये आज के न्यूमेरिकल यहाँ तक मुकम्मल हुए। इसके हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। शुक्रिया।